लोकसभा चुनाव के बीच हो गया बड़ा कांड, राजनीति में मचा भयंकर हाहाकार। जी हां, आपको बताया चले कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ओपी राजभर के बेटे और एनडीए गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी अरविंद राजभर से दंडवत हार जुड़वाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवाई है। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आदित्यनाथ सरकार में मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी अरविंद राजभर से हाथ जुड़वाकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से माफी मंगवाते हुए नजर आ रहे। जी हां, आपको बताया चले कि इस वीडियो को यूपी कांग्रेस के द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा गया कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ओपी राजभर के बेटे और एनडीए गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी अरविंद राजभर से दंडवत हाथ जुड़वाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवाई। यही नहीं, उप मुख्यमंत्री जी बकायदा माफी मांगने के इंस्ट्रक्शन भी देते रहे। इस वीडियो से यह साफ हो गया है कि बीजेपी पार्टी की अपने ही सहयोगी पार्टी के नेताओं के लिए कितनी घटिया सोच है। जी हां, आपको बताया चले कि यह वीडियो समय सोशल मीडिया पर काफी धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। अब आप इस वायरल हो रहे वीडियो को लेकर क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।